गाइस अभी देख सकते हो मामा जी अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का जोहार, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल डांस सनातन में आप सभी का स्वागत है। फ्री फायर का एक नई इवेंट अभी आई जो कि था उठा चुका है सुबह कहीं, तो अभी वही चीज उठाए। उसके बाद अभी जस्ट वीडियो अपलोड किए और इधर से समीर कैमरा लेके आ गया, बोले देखिए क्या कर रहा है। कल का रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, हम लोग करीबन 12:30 बजे घर पहुंचे थे शादी घर से, जो कि देखिए काफी ज्यादा एंजॉय किया। और वहां पर भी हमारे प्यार करने वाले बहुत लोग थे, क्या बोले, बहुत अच्छा लगा, वहां पे मजा आ गया। और आप लोग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। दोनों चैनल का वीडियो अपलोड हो चुकी है और अब चलते हैं ब्रश करने के लिए। इधर जीजाजी लोग, पापा लोग सब उधर लग गए हैं, उधर भाई भी उधर बैठ गया खाने के लिए और सिस्टर सबको परस परस के दे रही है, तो चलिए हम भी चलते हैं अपर के पीछे तरफ, नल तरफ मुंह धोते हैं पहले। चलिए यहाँ से हम लोग पहले ब्रश को कर लेते हैं और इधर से देखिए हमारा बागान में क्या क्या लगाया है यहाँ पर। और यहीं पे कॉफी का चारा, मतलब पूरा बीज लगाया था, उसके बाद निकला, उसके बाद चारों तरफ उसको लगाया गया है। और ये कुछ पपीता का पेड़ है और यहाँ से भी कॉफ़ी वगैरह, फुल कॉफ़ी लगाया गया है और बंधा गोभी भी लगाया है। हमारा भगना जी ला दिया है लड्डू, तो ये भी खाने खोजे थे, दोनों मिलकर खाते हैं लड्डू। और इधर से फाइनली दीदी लोग सब आ गया, ऐसे साइड थाली सब एक तरफ कर दी। अब यहाँ से झाड़ू थोड़ा मार के क्लीन कर देते हैं। इधर से हम अपना खाल ले आए खाना मार बात, और इधर से बना है आलू और टमाटर की चटनी मिला गया। और वो लोग उधर देखो लाई है साड़ी देख रही है कैसे कैसे मिला है। हमारे यहाँ पर एक कल्चरल में एक शादी जब होती है लड़का का, तो होने के बाद जो जो मतलब देते हैं कुछ भी, उसके बाद आने के टाइम सबको दिया जाता है एक करके साड़ी। वही उन लोगों को मिला है, तो वही देख रही है कि कैसे कैसे साड़ी हम लोग को मिला है, सब अपना अपना दिखा रहा है। अरे खुद ये होता है गाँव का निशानी, जैसे कि वहाँ पर पानी मिला पीने का फिल्टर वाटर, तो उठा के बॉटल ले आया घर, बोले चलो पियेंगे घर में जाए। वो बोतल उठा के रख दो, तेल वेल रखने में काम देगा। मिट्टी में भूसा और गोबर देके मिट्टी दिया जाएगा। अब इसको किया जा रहा है क्यों? क्योंकि हमारे जो मिट्टी प्लेन होगी और अच्छा से फटेगा नहीं। हाँ ऐसे में फट जाती है, लेकिन ऐसे में फटेगा नहीं, इसीलिए भूसा देके। जीजाजी हमारे और दीदी दोनों काफी मेहनत कर रही है। अभी तो दीदी उधर से शादी घर से आई, तो बोला घर जाएंगे तो बोला थोड़ा सा भाई का काम कर देंगे। तो गाइस देख सकते हो हमारे आंगन को पूरा मिट्टी से साफ किया गया। दीदी सरस्वती दीदी बोला घर जा रहे, तो पहले आपका बोला भाई का पूरा आंगन ठीक कर देते ताकि डांस करने में दिक्कत ना हो। तो सोच सकते हैं दीदी हमारे लिए कितना केयर करती है, जो भी दीदी आती है तो हमारे लिए इस तरह से कुछ ना कुछ कर ही देती है, ताकि मतलब जानते हैं सावित्री दीदी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अकेले करने में। अब देखिए और इधर से सावित्री दीदी वहाँ बाहर बैठी हुई है, उसका हमारी जा रही घर। टाटा बोल दो सबको, बाबू टाटा कर दो बेटा। अब मामू जा रहे हैं, एक बार हमको बोला नहीं कि चलिए, तो ठीक है अब जब जाएंगे ना घर तो फिर बस बोलेगा कि मामा जी हम भी जाएंगे, हम लेके जाएंगे। नहीं जा रहे, टाटा एक बार कर दो बाबू टाटा। हाँ अब आना जनवरी में, ठीक है सब जाएंगे हम लोग पिकनिक घूमने के लिए। तो खा ले और ये वही वाला वीडियो तो देख ले जिसमें आईफोन को पानी में घुसाया था, और देख सकते हो मौसी भी ठूस ठूस की खा ली है। आप वादा किए थे मैगी लाएंगे, लाइएगा। तो दोस्तों अभी खाना खा लिया, तो थोड़ा देर अभी रुक लेते हैं, उसके बाद जाएंगे और मैगी लेके आएंगे। और आज का मैगी थोड़ा कुछ ज्यादा वाला, बहुत ज्यादा वाला। और हमारे कैमरामैन जो कि देख रहे हैं सबसे हालत गंभीर, यही मेरा भगना है। तो गाइस अभी देख रहे हमारे हो रही है 6:30 और अभी जैसे कि समीर बोला था हमें कि आज मैगी बना रहे, तो आज मैगी मतलब इतना सारा मैगी लाए हैं जो कि आप लोग देख सकते हो। आज का मैगी मतलब लग रहा है सबको खाना ही खाना है, चावल का जैसा आज मैगी बनेगा। और देखते हैं कि आज का मैगी, इतना सारा मैगी देख सकते हो आप लोग, वाह आज इतना सारा मैगी का भी मैगी बनाएंगे हम लोग। 5 मिनट ऐसे बोला जाता है मैगी बने का, 5 मिनट टाइम लगती है यार ऐसे में हमारे तो 2 मिनट कितना है बस इसको फाड़ना और घुसाना। अभी जैसे कि हमको लग नहीं रहा है जो कढ़ाई में सब अटेगा,
अरे बड़ा कढ़ाई, सिर्फ छोटा कढ़ाई को रिटर्न कर दिया, बड़ा कढ़ाई लिया है पूरे तो छोटा वाला जैसे कढ़ाई है वो, तो ये छोटा कढ़ाई मैंने इसको हटा दिया, ये बड़ा वाला कढ़ाई चढ़ाएंगे हम लोग और इसमें सब मैगी बनेगा। तो अभी चलिए सबको फाड़ते हैं और निकालते हैं और बनाते हैं, देखते हैं कितना अभी मैगी निकलेगा। इधर से हमारे पाउच का यदि बात किया जाए तो पाउच हम लोग लाए हैं टोटल इधर 24 वो है 12 देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इधर से पैकेट बॉयज वाला ये है 5 रुपया करके लेता है ये, और ये सब पैकेट लिया हमने जो कि 45 करके दो दो लिया है 45 करके 90 रुपीज, ये सब 5 करके लिया है। और अभी सबको हम लोग मैगी बनाएंगे और अभी दिखाते हैं कितना सारा मैगी का, अभी कितना सारा मैगी बनेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो है काफी खास जो हमारे है पास, तो देखिए एकदम पहली बार इतना मैगी का हम लोग बनाएंगे, मैगी बनेगा और इतना पहली बार इतना सारा हम लोग खाएंगे मतलब आज मन भर के खा लेना। हाँ, मन भर के खाना है, कल हो ना हो पता नहीं, ना रोटी खाना है ना कुछ खाना है, सिर्फ खानी है मैगी। और जितना सब है सब एक जगह इकट्ठा करते हैं और इसके बाद उधर डालना शुरू, उधर पानी दे दो तुम तब तक, हम इधर काटते हैं। यार इसका पाउच जो अंदर है मसाला वगैरह ये हमारी, इसको साइड करके रखते हैं सब, तो हम लोग जल्दी 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 फाड़ते हैं उनके तब तक। औजार दे दे औजार पानी, तो गाइस अब देख सकते हो बल्का मुल्का हो गया। तो गाइस टोटल आप लोग देख सकते हैं हमारे पास थोड़ा मैगी जितना था सब फाड़ के निकाल लिया। पाउच देख सकते हैं ये जो बड़ा वाला था, ठीक है बड़ा वाला का ये पाउच है, और इसका छोटा वाला देख सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टोटल का पाउच हमारे 24 थी एक, और इधर थे जो बड़ा पैकेट का था ये चार चार करके था, तो टोटल हमारे हो जाते हैं 32 पाउच। और यदि गलती होगी तो आप लोग काउंट करके नीचे कमेंट करके बता देना, आप लोग भी काउंट कर लीजिएगा। हाँ। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग, अब इसमें डालते हैं जो देख रहे हमारे पानी हो चुका है गर्मा गर्म एकदम पूरा चाड़ के, अभी चलिए इसको डालते हैं और दिखाते हैं आपको हमारे इतना मैगी के कितना भी होने वाली है। चलिए एक एक करके डालते हैं, हमको लग रहा है इससे भी ज्यादा पानी देना पड़ेगा, हमको तो लग रहा है नहीं जो होगा इस पानी में नहीं होगी और कढ़ाई में नहीं बोल सकती, पता नहीं क्या होगी, इसको लगता है डेगची चढ़ाना पड़ेगा। नहीं नहीं होगा, हटेगा ही नहीं, पानी दिया जा रहा है क्योंकि हमारा यहाँ से हो चुकी है पानी कम, क्योंकि इतना सारा मैगी और इतना पानी में तो होने वाला है नहीं, और पानी और लास्ट में हमारी ये सब भी जो है माल पानी इस सब भी डाल देते हैं। और इधर से हमारे जितना पाउच है इसको सभी हम इधर ले आते हैं, जितने सारे पाउचेस है। तो दोस्तों अब हमारी मसाला की बारी आती है और मसाला को फाड़ते हैं और डालते हैं इसमें जितने भी है। तो गाइस अब हमारी लास्ट पाउच बची है जो कि ये देखिए एंड हो जाती है हमारा, पूरा पूरा डल चुका है जो कि देख सकते हैं, पूरा पैकेट फाड़ के डाल दिए और कुछ कुछ मिला दिए हम लोग। अभी चलिए अब इसको जितना है सबको मिला देते हैं इस तरह से करके। आज का मैगी अभी तक हमको लग रहा है इतना मैगी कोई नहीं बनाया होगा जितना हमारे घर में बन रही है आज। ये तो पानी तो गर्म होने में और टाइम लग रहा है, और उतार देंगे तो पानी तो कब गर्म होगा बताइए। लाइन गई सब लो, वो वाला टॉस कहाँ गया? चल गो मत ले। तो गाइस अभी हो चुका हमारे घर में लाइन कट, और सोच सकते हैं कि वीडियो बना रहे हैं और उसी टाइम हमारे क्या बोले, हमारे पास अभी वैसे कुछ है नहीं सोर्स, क्या बोलते हैं इन्वर्टर वगैरह, नहीं तो जला के अभी दिखाते ठीक से। अभी हमारे जो फोन के कैमरा है उसी से वीडियो हो रही है, और कैसे क्वालिटी बढ़ रही है हमारे आईफोन के वीडियो से हो रही है, ठीक है। तो कैसे क्वालिटी हो रही है कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इधर से हमारी लगभग मैगी होने को तैयार है, और थोड़ा सा इसको गर्म कर लेते हैं, पानी भी इसका लगभग सोख चुकी है। इधर से हमारी फाइनली हो चुकी है मैगी तैयार जो कि देख रहे हो पानी सब सोख लिया है, अभी ज्यादा जाएंगे तो नीचे पानी मतलब क्या बोलते हैं लटक जाएगा जो बोलते हैं उसको, वो चिपक जा रहा है नीचे में आग के कारण, तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं अब नीचे उतार लेते हैं। लगभग हमारी चीज लग रहा है हो रही है, ये अच्छा कपड़ा मतलब
एकदम ही अच्छा पहनने लायक कपड़ा सब। अब क्या करें, पकड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब परोसते हैं और देखते हैं कि कैसा आखिरकार बना इतना सारा। जो आज जैसे चावल होता है ना उसी तरह से हमारे घर में मैगी बनाया आज। अरे ये एक ही जगह में इतना मत घुसो, इसमें तुम्हारा फिर अच्छा जैसा थोड़ी कोई खाएगा। हम खा जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इधर दे देते हैं। और चलिए अब इतना ही काफी है। तो चलिए अब इतना सारा मैगी जो बना और इसका स्वाद अब कैसा है, हमको लग नहीं रहा चम्मच लगा के खाएं, ऐसे हाथ ही लगा के। अरे गरम है पगला, ऐसे तो हम लोग हाथ से ही खाते हैं। अब देखते हैं कि खाने में कैसा लगेगा, तो स्वाद चख के देखते हैं कि कैसा आखिरकार हमारा बना है। बस हमने कुछ मिलाया नहीं एक्स्ट्रा, जो था वैसे ही था, लेकिन जानते हैं कि यही बेस्ट होती है खाने में। यदि खाते रहेंगे तो ऐसे टाइम हमारी चलती रहेगी जी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो एंड करते हैं। देखा आज का मैगी इतना ज्यादा बनाने का प्रयास किया हमने, हमको तो नहीं लग रहा इतना सारा मैगी अभी तक कोई बनाया होगा, और हम लोग तो इतना जो है लग नहीं रहा है खा पाएंगे। इसीलिए हमारे बच्चा लोग सब बंदर लोग को बुलाते हैं, सबके साथ अभी खाते हैं। अगल बगल में हमारे बंदर सब है, सबको बुलाते हैं और उसमें खूब पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह से और भी हमारे दोनों भाई बहन का नोक झोंक वाली वीडियो और डेली ब्लॉगिंग वीडियो देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई सोच के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ठुसू पावन अरे वर ऐसे बगर पावन इधर लास्ट में हमारे दीदी लोग सब बैठ गए हैं, भाई लोग जा रहे हैं के लिए खाने सकेगा नहीं। जल्दी चाहे इधर से देखो फिर से समय ले रहा है, मुझे खाना है खाना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।